बड़ी खबर यह है कि 26 जनवरी के मद्देनजर खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का एक अलर्ट जारी किया है और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी इस बार हमले की तकनीक में बदलाव कर सकते हैं। आतंकी इस बार हमले में छोटे जानवरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन उनके निशाने पर हो सकते हैं। एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और गुजरात पुलिस को अपने इनपुट दिए हैं। दिल्ली में खासतौर से पूर्वी दिल्ली में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसियों को ये अंदेशा है कि आतंकी वारदात को अंजाम देने में छोटे से छोटे विस्फोटकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं मनीष शुक्ला। मनीष, बड़ी जानकारी है ये और एहतियातन मनीष बड़ी जानकारी है ये। दरअसल इस तरह के अलर्ट हम देखते हैं जब जब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस होता है तो इस बार और ज्यादा हम क्या कहें, प्रिसाइसली स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये जगह हैं और उसको लेते हुए फिर क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बड़ी कह सकते हैं कि जो खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को सौंपी है, उसमें खास तौर पर कहा है कि 26 जनवरी के मद्देनजर बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है और खासकर दिल्ली, मुंबई और गुजरात को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कहा गया है कि जो आतंकी हैं वो हमला करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी तकनीक में बदलाव किया है और तकनीक का भी खुलासा है भी रिपोर्ट में किया गया है कि जो आतंकी हैं वो छोटे छोटे जानवरों का उपयोग कर सकते हैं आतंकी हमला करने के लिए, साथ ही साथ छोटी छोटी वस्तुओं में विस्फोटक लगाकर आतंकी हमला कर सकते हैं। खुफिया विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 42 जगहों पर, दिल्ली समेत 42 जगहों को वहां पे ज्यादा सुरक्षा मुस्तैद करने की आवश्यकता है और यही वजह है कि खुफिया विभाग ने कहा है कि 26 जनवरी के मद्देनजर खास अलर्ट रहा जाए और इसकी जानकारी जो है दिल्ली पुलिस को भी दे दी गई है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी दी गई है। खासकर दिल्ली में जो बड़े हैं, रेलवे स्टेशन है, पब्लिक प्लेसेस हैं, उन पे खासकर अलर्ट रहने को कहा गया है कि आतंकी जो हैं वो ऐसी फिराक में हैं कि बड़ा एक आतंकी हमला किया जाए और खासकर चूंकि 26 जनवरी बहुत नजदीक है, इसको लेकर एक खास अलर्ट रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, तो अलर्ट जारी किया गया है और हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं अगर कुछ भी ऐसा संदिग्ध नजर आए तो जरूर सूचित करें पुलिस को। लेकिन मनीष, गुजरात में भी एक अलर्ट जारी किया गया, गुजरात को लेकर भी कहा गया है, मुंबई और दिल्ली तो है ही, अलावा इसके और कौन कौन सी जगह है जहां पर खास एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, चूंकि 26 जनवरी को लेकर जो अलर्ट की बात है वो अमूमन जो हम 26 जनवरी को देखते हैं देश भर में तमाम जो बड़े शहर हैं उनको लेकर एक अलर्ट जारी होता है, लेकिन हम जिस अलर्ट की बात कर रहे हैं वो खास तौर पर खुफिया विभाग ने उसके लिए चेतावनी दी है और कहा है कि खासकर दिल्ली, मुंबई और गुजरात, गुजरात की अगर बात करें तो वहां दो एयरपोर्ट आतंकियों के निशाने पर हैं, ऐसा खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। साथ ही साथ दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट को भी निशाना बना सकते हैं आतंकी, ऐसा भी कहा गया है। तो खास तौर पर कहा गया है कि दिल्ली, मुंबई और गुजरात पे खासी नजर रखी जाए क्योंकि 26 जनवरी का आने वाली है और इसको लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। और पहले भी जो अलर्ट जारी किए जाते रहे हैं उसमें दिल्ली, मुंबई की जो सुरक्षा है वो खास तौर पर बढ़ाई जाती रही है, सघन की जाती रही है और अलर्ट के लिए बराबर चेतावनी जारी की जाती रही है। और इस बार जो ये अलर्ट जारी किया गया है इसमें खास तौर पर बताया गया है कि आतंकियों ने जो अपनी तकनीक है हमला करने की उसमें बदलाव किया है और कई जानकारियां खुफिया विभाग ने ऐसी सौंपी है गृह मंत्रालय को जिसको अभी कैमरे के सामने बताना, जिसका खुलासा करना सुरक्षा कारणों से बहुत जरूरी है, वो इसीलिए हम सिर्फ इतनी जी सुरक्षा कारणों से, और यही वजह है कि खुफिया विभाग ने पूरी एक जानकारी जो है गृह मंत्रालय को भेजी है ताकि समय रहते जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो जाएं। जी।